16 मई 2014 को जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उस दिन सेंसेक्स 24,121 पर तो निफ्टी 7,203 पर बंद हुआ। लेकिन अब हालत ये है कि जनवरी 2016 में सेंसेक्स और निफ्टी 16 मई 2014 के स्तर से नीचे जा रुका है। 20 महीने के मोदी राज में ही शेयर बाजार में मायूसी छा गई है। औद्योगिक विकास रफ्तार नहीं पकड़ रहा, एक्सपोर्ट्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है, निजी क्षेत्र निवेश करने से कतरा रहा है, बैंकों ने जो कर्ज बांटा है वो डूबता नजर आ रहा है। विदेशी मुद्रा कोष $355 बिलियन से घटकर $350 बिलियन हो गया। औद्योगिक उत्पादन में 3.2% था, ये 4 साल में सबसे कम है। दूसरी स्थिति देखिए, कर जो है वो 446 बिलियन से बढ़कर $483 बिलियन हो चुका है। मौजूदा स्थिति भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी फंड जो है वह भी ₹1 ट्रिलियन जो था वो 17,806 करोड़ रुपए। जो कोर सेक्टर होता है, जो 8 हैं, कोयला, कच्चा तेल, गैस, स्टील, सीमेंट, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, वह 2014 में 3.2% के हिसाब से विकास दर था, 0.9% पर आ गया। A fresh low has been formed by the rupee as well. For the first time since August 2013, we've seen rupee hitting that level of 68 to the dollar. शेयर बाजार धड़ाम गिर गया, रुपया रो रहा और जनता पूछ रही है अच्छे दिनों का क्या हुआ।